नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गार्नियर के पैक के बारे में। तो यहाँ पे स्पेशली मेंस के लिए ज़्यादा यूजफुल रहता है गार्नियर के प्रोडक्ट। जैसे कि दोस्तों, गार्नियर का जो हमने प्रोडक्ट मंगाया, एक फेस मास्क मंगाया है और एक क्रीम मंगाई है, तो क्या हमें प्रॉफिट पड़ता है ऑनलाइन मंगाने में? लेकिन तब आप कॉम्बो नहीं खरीदते तो क्या क्या आपको इसके लिए पे करना होता है? जैसे कि दोस्तों, मैं बात करूँ, यहाँ पे दो यूनिट दे रखी है इसके अंदर, और 28 ग्राम का जो है वो फेस मास्क है एंड 50 ग्राम इसमें क्रीम दी गई है। लेकिन दोस्तों, टोटल मिला के 131 ग्राम है, और इसका जो मतलब फेस मास्क का जो इसका प्राइस है वो 150 रुपये है, और जो इसका क्रीम का प्राइस है वो 249 रुपीज़, मतलब 400 रुपये। अब मैंने इसे कितने रुपए में ख़रीदा वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। और दोस्तों, इसमें क्या खास मिल जाता है? जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे पूरी तरीके से रिसाइकेबल है, प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया, पेपर का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे फेस मास्क मिल जाता है और बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2-3 बार यूज़ कर चुका हूँ गार्नियर का फेस मास्क। रियली ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा खास चीज़ चेंज कर देता है, बस ये है कि आपके सॉफ्टनेस कर देता है फेस में, जो पिंपल्स हैं वो ईजिली फाइंड आउट हो जाते हैं, जो ब्लैक ब्लैकनेस होती है वो भी ईजिली आप निकाल सकते हैं। तब आप फेस मास्क यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 20 मिनट जरूर यूज़ करें, क्योंकि एटलीस्ट तभी वो जो स्किन के सेल्स होते हैं उसके अंदर एडजस्ट हो पाता है, और जो पिंपल्स होते हैं या जो भी डार्कनेस होती है वो ईजिली रिमूव कर देता है। और एकदम हटा के तुरंत ही मुंह ना धुले, थोड़ी देर वेट करें, 5 से 10 मिनट, और उसके बाद फेस धुलेंगे तो आपका रियली बहुत ज़्यादा क्लीननेस दिखाई देगा और साफ भी दिखाई देगा। गार्नियर के प्रोडक्ट से धुलते हैं तो ऑयल फ्री वाले से तो और ज़्यादा अच्छा है, कि जो इसकी मतलब ऑयली ऑयली होता है तो वो भी पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है बैग। बाकी आप कोई भी कंपनी का फेस वॉश यूज़ कर रहे हो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गार्नियर का यह ऑयल वाला बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो इसका जो प्राइस है वो 150 रुपये। और यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, ये पावर वाइट क्रीम फेस वॉश यूवी प्रोटेक्टेड, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती है सन से, उसे प्रोटेक्ट करता है। बाकी ये दोस्तों मैं बात करूँ यूज़ में है, ऐसा तो नहीं कि हल्का सा पसीना आएगा पूरी क्रीम हट जाती है, वो चीज़ नहीं है। मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे बात करी जाए, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, इसका मैं प्राइस डिस्कस करूँ 249 रुपीज़, लेकिन दोस्तों मुझे पूरा प्रोडक्ट ही ये 240 रुपये का पड़ गया। तो मतलब यहाँ पे एक तरीके से फेस मास्क मैं फ्री कूँ, या इसे मैं हाफ कर सकता हूँ, इसमें से 100 रुपये घटा सकता हूँ। तो इस तरीके से बात करूँ तो दोनों तरफ से प्रॉफिट रहा। और यहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों, क्रीम किस तरीके से इसमें से निकलती है ये भी एक चीज़ देखने वाली बात है। तो इसे मैं खोलूँ तो यहाँ पे जैसे कि इसे वैसे बटन नहीं दे रखा है, तो इसमें कोई पाइप नहीं दे रखा है दोस्तों, एक तरीके से वैक्यूम क्रिएट करता है और खींचता रहता है। तब आप निकालेंगे तो मतलब यह है कि पूरी खत्म हो जाएगी, या नीचे से कोई वो है, क्योंकि यहाँ पे एयर का ऑप्शन दे रहा है, नीचे वैक्यूम दे रखा है तो ऊपर वो खींचता चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छी चीज़ है कि आप दोनों चीज़ें आराम से इसमें ट्राई कर सकते हैं। बात करें दोस्तों क्रीम की, तो यहाँ पे ये हल्का सा, और वैसे मैंने बहुत ज़्यादा ले ली, लेकिन मैं आपको लाइव डेमो वो दिखा पाऊँ इसलिए मैंने क्रीम नहीं लगाई थी, जस्ट नहा के आया हूँ अभी। तो यहाँ पे वैसे आप फेस पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप हाथ पे देखेंगे तो अलग ही एक क्रीम की लेयर जो है वो जो शाइनिंग लेयर है वो अच्छी दिखती है। और दोस्तों क्रीम तो लगाई, लेकिन नहाने के तुरंत बाद लगाते हैं ना आपको ज्यादा यूजफुल रहती है। जैसे कि दोस्तों, वीडियो बनाने के चक्कर में लमसम 15-20 मिनट हो चुका है, तो उस कंडीशन में ड्राई हो गए थे मेरा हाथ भी, मेरा फेस भी, और ऊपर से हम एसी में बैठे हैं, जो मॉइस्चर है वो भी खत्म हो गया है, क्योंकि वो एसी निचोड़ ले रही है। तो यहाँ पे जो क्रीम है वो पूरी तरीके से इफेक्टिवनेस यूज़ नहीं होगी। जैसे ही आप नहा के निकलते हैं तो आपकी स्किन के सेल्स भी, या मैं बात करूँ स्किन गीली होती है, तो आप थोड़ी सी भी क्रीम लगाते हैं पूरे फेस पे इजीली फैल जाती है। लेकिन दोस्तों, हमने ड्राई कंडीशन में लगाई है तो अब आप देख सकते हैं इफेक्ट ज़्यादा कुछ खास दिखाई नहीं देगा। लेकिन दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये लगती है, जैसे ही आप पसीने में या सन में निकलते हैं तो ऐसा नहीं है कि क्रीम की लेयर निकल के नीचे आ जाएगी या आप हटाते, पसीना जो है क्रीम के ऊपर आ जाता है, लेकिन क्रीम आपकी ख़राब नहीं होती, फेस की जो शाइनिंग है वो लास्ट टाइम तक रहती है। लेकिन दोस्तों, इसका
मतलब क्रीम लगाने के बाद कितना यूटिलाइज आप कर सकते हैं, 2 से 3 या 4 घंटे तक यूटिलाइजेशन है। लेकिन आप एसी वाले कमरे में बैठे हैं तो सुबह लगाते शाम तक तो निकलते, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर से इसमें मैंता लगा हुआ है, तो आप क्रीम जैसे कि अभी मैंने ड्राई फेस पे लगाई है, गीले फेस पे लगाता हूँ तो इतनी तेज इफेक्ट नहीं मारती है स्किन पर, लेकिन ड्राई फेस पे लगाई है मैंने तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंता डला हुआ है इसके अंदर, वो फेस को एक तरीके से ठंडा रखा हुआ है, और हल्का सा क्योंकि एसी की ठंडी ठंडी हवा लग रही है तो फेस और ज्यादा ठंडा हो रहा है, तो आपको महसूस अच्छा होगा टोटल मिला के दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जो है ये गार्नियर का नया प्रोडक्ट है, गार्नियर मैंस न्यू पावर वाइट एंटी पोल्यूशन एंड ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर। तो यहाँ पे एक तो आपके स्किन को सॉफ्टी सॉफ्टी भी रखता है, पूरी देखिए ड्राई नहीं होने देगा, क्योंकि मैंने ड्राई फेस पे लगाई है तो स्किन पे अब आप असर देख सकते हैं। पहले भी कुछ ज्यादा खास मतलब ड्राई नहीं थी, लेकिन अब और ज्यादा स्मूथ हो गई है क्योंकि क्रीम अब सेल्स में बैठ चुकी है। तो इस तरीके से यूजफुल है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखी है कम से कम 3 साल से ऊपर के बच्चे इसे यूज करें, नीचे के बच्चे यूज ना करें, क्योंकि उनकी स्किन के सेल्स बहुत ज्यादा मतलब डेवलप्ड हो रहे होते हैं, तो उन छोटे बच्चों को ना लगाइए क्रीम। और दोस्तों यहाँ पे जो दे रखा है 5D10 स्किन चैलेंजिंग, मतलब यहाँ पे आपको पॉल्यूशन, डस्टनेस, ड्राइनेस एंड यूवी लेयर्स, रफनेस, पिंपल्स, मार्क्स, डार्कनेस, स्पॉट्स, शेविंग, इरिगेशन, ऑयली लुक, अनइवननेस, स्किन टोन्स, तो इस तरीके के प्रोटेक्ट आपको करती है। तो मतलब आप क्रीम रेगुलर यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, एक तो फेस मास्क मिलता है, जो कि मैं बात करूं तो मैं फेस मास्क यूज कर रहा हूँ, रियली दोस्तों यूजफुल है और बहुत ज्यादा यूटिलाइज आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।